हेलो एवरीवन, आज हम सीख रहे हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक हम कैसे पहचानते हैं। परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है। तो जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है 764 इंटू 549 इंटू 603 इंटू 546 इंटू का इकाई अंक क्या होगा, ये पूछे आपसे। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं हम। इसमें पूरी संख्या को इंटू करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको जो लास्ट डिजिट है उसको उठा के आप इंटू कर लीजिए, जो आंसर आएगा इकाई अंक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 9 3 6, इसको जब हम इंटू करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 648। तो हमारा इकाई अंक क्या हुआ, यहाँ पर 8 हुआ। क्लियर है। अब ऐसे ही दूसरी तरीके का जो प्रश्न आता है इकाई अंक का, वो आता है कि जैसे हमारे पास एक डिजिट है 6317, इसकी जो पावर है वो है 754 का। अगर आपसे पूछे इकाई अंक क्या होगा तो कैसे बताएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऊपर लास्ट वाली डिजिट उठाई थी तो यहाँ भी हम लास्ट वाली डिजिट उठाएंगे, इसकी पावर है 754। तो अब इस पावर को हम क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 754 को हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 4 एकम 4, और आ गया यहाँ बच गए 3 35 आया, 8 चौक 32, यहाँ 32 आ गए, हमारे पास बचा 3 34 हो गए, फिर 8 से दिया तो 32, हमारे पास शेष क्या बच गया, 2। तो जो हमारे पास संख्या है 7, इसकी पावर क्या बची हमारे पास, 2। 4 से भाग देने पर जो ये डिजिट आती है इसको हम छोड़ देंगे, तो पावर हमारे पास क्या बचेगी, 2। तो 7 7 49, तो 9 हमारे पास इकाई अंक आ गया। ये इकाई अंक निकालने का बेस्ट तरीका, आप जो भी संख्या दी होती है, पावर दी होती है, उसको 4 से भाग देंगे। क्लियर है। एक संख्या और देख लीजिए, और आसान हो जाएगा आपको समझने में। जैसे आपके पास संख्या है 3, 3 की पावर दी हुई है 57। अब आपसे पूछे इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, तो आप सिंपल सिंपल क्या करेंगे, 57 को 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4, बचा 1 17, 4 चौक 16, तो इसको हम खत्म कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास शेष क्या बचेगा, 1। तो 3 की पावर क्या हुई, 1, तो 1 का मतलब इकाई अंक हमारा 3 ही हो गया। क्लियर है, वेरी गुड। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे आपके पास अंक है 7, इसकी पावर है 63, तो अब आप बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 7, संख्या 7 का पावर 63, इकाई अंक बताइए। क्लियर है।